कैसी लगी आपको? शिवाय मूवी बहुत बेहतरीन मूवी है, जहाँ तक मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ऊपर मूवी है ये। तो अजय देवगन का परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अजय देवगन का परफॉर्मेंस हमेशा टॉप पर है, उसके साथ उसकी बच्ची ने जो परफॉर्म किया है कमाल है, ऑसम मूवी, मुझे आज तक की सबसे अच्छी मूवी और सबसे हिट मूवी लगी है वो, जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ऊपर मूवी है ये। एंड हाउ मच विल यू गिव इट ऑन 5 दूंगा। एंड अजय देवगन ने कैसे किया है फिल्म? अजय देवगन मतलब ऑसम, मतलब उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, मतलब इस लेवल पे पिक्चर ले गया ना, कुछ भी नहीं कह सकता। क्या अजय देवगन के फैन है आपने ऐदले मुश्किल के देखे? अजय देवगन का फैन नहीं, एक्चुअली मैं मूवी का फैन हूं। एक्चुअली मैंने जब प्रोमो देखा ना, प्रोमो से ही मैं जान गया था कि मूवी किस लेवल की है, और अजय देवगन सर ने हॉलीवुड को भी एक कड़ा टक्कर दिया इस मूवी से, मुझे लगता है। स्टोरी में क्या अच्छी लगी आपको? स्टोरी में सबसे अच्छा कैरेक्टर ये है कि वो जो पूरी मूवी जो फादर के ऊपर है ना, वो बेहतरीन है, मतलब एक फादर का दर्द क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने शिवाय देखी। कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी है, हद से ज्यादा, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा कहीं अच्छी मूवी है। और क्या खास बात आपको लगी है फिल्म में कि आप शिवाय देखे? इस मूवी का जो ट्रेलर था वो बहुत ही अच्छा था, और जिस हिसाब से ट्रेलर था उससे कहीं ज्यादा अच्छी ये मूवी है, और चाहे उसमें एक्शन हो, चाहे इमोशन सीन हो, चाहे गाने हो, सब बहुत ही अच्छे। और अजय देवगन की परफॉर्मेंस के बारे में? उनकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो जिस लेवल पे उन्होंने किया है बहुत अच्छा है, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा उसके बारे में। अब तक का अजय देवगन का बेस्ट एक्शन परफॉर्मेंस है ये? हाँ, मैं मानता हूँ ये, क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है ये, और जिस तरह उन्होंने एक्शन किया है और जो जिस तरह सीन उन्होंने दिखाए बहुत ही अच्छी। तो क्या लगता है कि ऐ दिल है मुश्किल को टक्कर दे पाएगी ये फिल्म? टक्कर दे पाएगी, उससे कहीं ज़्यादा आगे निकलेगी ये मूवी। कितने स्टार देंगे आप? 5 में 5। थैंक यू सर। थैंक यू।